भारत के साथ दोस्ती करके दुनिया के कई देशों को फायदा हुआ। अब इसका सबूत भी देख लीजिए, सऊदी ने भारत से दोस्ती बढ़ाई, उसको बम्पर फायदा मिला। मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए, उनको बम्पर फायदा मिला। ईरान ने भारत से चाबहार की डील की, उसको भी बड़ा फायदा मिला। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में मंदिर बनाया, उसे भी बड़ा फायदा मिला। अब आप कहेंगे कैसे, दरअसल ये सभी बन गए हैं ब्रिक्स देशों के सदस्य देश, और देखते ही देखते ये सभी देश अब दुनिया के इस बड़े मंच पर अपनी बात रखेंगे। अब इसे लेकर भारत का बयान भी सामने आ गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विस्तारित ब्रिक्स समूह के परिवार के प्रारूप में एक महत्वपूर्ण बैठक, भारत नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करता है। अब ये तो आपने बयान सुना, लेकिन एक और देश है पाकिस्तान, जो आतंकियों को पालता है, दूसरे देशों में हमले करवाता है। उसकी ख्वाहिश फिर से अधूरी रह गई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। अब पाकिस्तान को साइड कर ब्रिक्स देशों ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया और बता दिया कि भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं। अब न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में भारत की नीति से पहले पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा। झटके भी ऐसे ऐसे, पाकिस्तान संभाले न संभले, झटका ऐसा कि चीन भी उसका साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला रहा। बता दें कि मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया ने रूस की ओर से आयोजित ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण बैठक में पहली बार हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने पश्चिमी रूस में आयोजित ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, और अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से इसके सदस्य देश हैं। अब पाकिस्तान को क्यों ब्रिक्स या फिर किसी दूसरी जगह कदम नहीं रखने दिया जा रहा, इसके पीछे का मेन कारण जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान भारत की नकल कर रहा, हर रोज कोशिश कर रहा, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवादी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। अब आपका क्या कहना है कि क्या भारत के होते हुए ये पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री ले पाएगा कभी? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।